हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस। अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत राज की बात बताने वाला हूँ, एक बहुत बड़ी पोल पट्टी खोलने वाला हूँ आईएएस इंस्टीट्यूशंस की। देखिए, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ा है, मैं अपना खुद का एक आईएएस इंस्टीट्यूशन अधिष्ठान आईएएस भी चलाता हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम इंस्टीट्यूट वाले आपके साथ एक स्कैम कर रहे हैं। ये जो स्कैम है, इसका नाम है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्कैम। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा स्कैम है जो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में क्या किया जाता है, जैसे पिछले साल आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपको एक टेस्ट दे दिया जाता है और टेस्ट के अंदर आपको उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है। बाकी सारी की सारी मेहनत आपकी, इंस्टीट्यूट अपनी पूरी पूरी लाइबिलिटी, इंस्टीट्यूट की सिर्फ ये लाइबिलिटी है कि वो आपको एक तरह से टेस्ट सीरीज टाइम पर दे दे और आपको एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, दैट्स ऑल। बाकी सारी की सारी मेहनत आपको करनी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह का अप्रोच आपको अपनाना है, क्या आपको किसी एक क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक दे रहा होगा उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। क्वेश्चन को किस तरह से आपको एनालाइज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। उस क्वेश्चन के आसपास की चीजें को कैसे आपको समझना है, ये सब आप उस सॉल्यूशन के अंदर से खुद ढूंढते रहे आप। दैट इज द ओनली थिंग टेस्ट सीरीज इज प्रोवाइडिंग टू यू। और इसकी फीस भी देखिए कितनी ज्यादा है। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो 30 से 35 टेस्ट की टेस्ट सीरीज कम से कम 20,000 रुपीज की आपको मिलेगी। तो भाई आप क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इतनी महंगी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपने 20 से 25,000 रुपीज हार्ड अर्नड मनी आपने क्या करा है, उनको दे दिया है इंस्टीट्यूट वालों को, और उसके बदले में आपको क्या मिला, एक टेस्ट और उसका सॉल्यूशन। बाकी उस टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी लायबिलिटी है। उस टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, ये आपकी लायबिलिटी है। उस टेस्ट के आसपास के कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, ये आपकी लायबिलिटी है। इंस्टीट्यूट बिल्कुल आपको फिर भूल गया है, बस आपको टाइमली टेस्ट देना है कि नहीं देना, ये भी आपकी लायबिलिटी है। कोई मोटिवेशन फैक्टर, जीरो मोटिवेशन फैक्टर। इसीलिए क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर जब टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 टेस्ट देके थोड़े से डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, फिर 10 टेस्ट के आसपास आकर आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा स्कैम है बच्चों। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट को फायदा हो रहा है, आपको यहां पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। यहां पर मेहनत इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ पैसा इंस्टीट्यूट ले ले रहा है। देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर देता है, पर मैं आपको कहूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो कोई मतलब नहीं है। आप देखते हैं आजकल पूरे के पूरे ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं, उन टेस्ट को सॉल्व करो घर पे बैठ के, यही आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा टेस्ट का। जबरदस्ती का आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका हार्ड अर्न्ड मनी, आप टेस्ट सीरीज में तो कम से कम खर्च आपको नहीं करना चाहिए। अब हमारा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट एक यही चीज देख रहा है कि टेस्ट सीरीज से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उनको कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं पड़ता, सारा का सारा उनको ही मेहनत करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट की लायबिलिटी सारी खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च करा है, दैट बैच नेम इज द सिलेक्शन बैच, जिसके अंदर हम 9000 MCQs आपको लाइव सॉल्व करवाएंगे। लाइव सॉल्व करवाने का मतलब समझ रहे हैं, आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है, आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए था, आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह के इसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। एक तरह से आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दिया जाएगा MCQ के थ्रू। अब MCQ के थ्रू अगर पूरा सिलेबस आपका रिविजन हो गया, MCQ सॉल्व करने का आपको अप्रोच आ गया, और 9000 MCQs, आर यू गेट, और 9000 MCQs, आप समझ रहे हैं, 9000 MCQs जो है मतलब कि 90 टेस्ट आप सॉल्व करके जा रहे हैं, और वो भी सारे MCQs जो होंगे वो एक तरह से UPSC CSE के लेवल से ज्यादा ही होंगे। आपको 9000+ MCQs यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों। हम यहाँ पर पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं इस चीज को, इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो इसके आगे लगा दिया है, आप इसको देखो और आप समझो कि 10 सिलेक्शन बैच कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रीलिम्स की सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। वी आर वेरी ग्लैड टू अनाउंस यू दैट वी आर लॉन्चिंग अ वेरी यूनिक बैच फॉर द प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th November। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। This batch, as the name suggests, is fully focused
ऑन गेटिंग यू सेलेक्टेड इन द प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन। देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025, ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए द सिलेक्शन बैच को हमने दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है, ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथू कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ये 10 सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चन लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहाँ पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए, मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच है जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते, एक कॉम्प्रेहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी, राइट। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट will also be provided to you। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताए एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि what is daily schedule। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपके प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन के मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा, हम जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद
उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहां पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम वन कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको दो कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सी सेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ही है ये, एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500, और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा, इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।